क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं? ये चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है, लेकिन इस चर्चा के पीछे सच्चाई क्या है, इस चर्चा के होने की वजह क्या है, यह आपको समझना और जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस तरह की चर्चा जब शुरू होती है तो पॉलिटिकल पार्टियों के कान खड़े हो जाते हैं, नेताओं की एक बार फिर से एंग्जाइटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाती हैं, तय समय पर चुनाव हो तो उसी हिसाब से तैयारी की जाती है कि इस हिसाब से कैंडिडेट्स जो है मंगवाए जाएंगे, कैंडिडेट्स तय किए जाएंगे, स्क्रूटनी की जाएगी, उसमें जिताऊ उम्मीदवारों को तय किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसने कि एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टियों की, ना केवल पॉलिटिकल पार्टियों की बल्कि प्रदेश में जनता के बीच में भी हलचल पैदा करी है कि क्या हरियाणा में आगामी विधानसभा रण की जो तारीखें, ऐलान जिनका करना है चुनाव आयोग को, वो जल्द हो सकते हैं, यानी कि तय समय से पहले हो सकते हैं। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस तरह की चर्चाएं चुनाव के पास आम तौर पर ज्यादा जोर पकड़ती हैं। हरियाणा का परिपेक्ष ये है कि हरियाणा में कई चीजें जो हैं वो सैनी सरकार के बनने के बाद जो है वो तब्दील होती नजर आई हैं। ऐसे में आंकड़े को लेकर, अल्पमत को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को कई बार घेर चुका है और लगातार जो है वो अल्पमत में सरकार के होने की बात जो है वो कही जाती रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हुई है कि चुनाव आयोग की टीम जो कि 12 और 13 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के दौरे पर है, ईवीएम्स को चेक किया जाएगा, अलग अलग जो नए बूथ 817 के करीब जो नए बूथ बने हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और तमाम ऑल पार्टी मीटिंग करते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठने का काम किया जाएगा। अब ऐसे में इस खबर के अंदर सच्चाई कितनी है, ऐसे में क्योंकि इस बात को लेकर तस्दीक सिर्फ एक जो है वो आयोग कर सकता है, वो है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस बाबत जो है वो कोई पुष्टि, किसी भी तरह की कोई जानकारी, क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की की जो घोषणा है वो अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करता है और उसी दिन करता है जिस दिन की नोटिफिकेशन जारी होनी होती है, आचार संहिता लगनी होती है। अब ऐसे में इस तरह का नैरेटिव या इस तरह की जो चर्चाएं या अफवाहें चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कितना दम है या कितनी सच्चाई है, ये बेहतरी जो है वो बेहतरी से चुनाव आयोग बता सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ एपिसोड ऐसे बने जिसके चलते ये चर्चा जो है वो प्रदेश में एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आई। इस समय मौजूदा विधायकों की संख्या 87 है हरियाणा विधानसभा में। किरण चौधरी जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है, उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार जो है वो नहीं किया गया है। रंजीत चौटाला जो है पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में 87 का आंकड़ा जो है वो विधानसभा के अंदर जो है वो मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 41 विधायक हैं, जिनमें दो विधायक, एक निर्दलीय और एक एचएलपी के विधायक का समर्थन मिलने के बाद भाजपा के पास आंकड़ा 43 पहुंचता है, जबकि विपक्ष के पास अगर किरण चौधरी के वोट को भी उसी साइड काउंट किया जाए तो वो आंकड़ा 44 के करीब है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक सत्र बुलाने को लेकर, क्योंकि सत्र में हंगामेदार सत्र हो सकता है, तो प्रोविजन जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि कानून नियम क्या कहते हैं, तो ऐसे में 174 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि 6 महीने के अंतराल में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना होता है, वो भी तकरीबन 2 से 3 दिन का। लेकिन सरकार इस बार तैयारी ये कर रही है कि एक दिन का सत्र बुलाया जाए, जिस तरीके से कैबिनेट में अलग अलग चीजें, अलग अलग जो एजेंडाज हैं उनको अप्रूव करने का काम किया जा रहा है, उन्हें ऑर्डिनेंस बनाकर जो है विधानसभा में पास करने का काम किया जाए। खबरें ये भी हैं कि सीएमओ के अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं और ये मानकर चला जा रहा है, ये भी खबरें उड़ रही हैं कि 25 अगस्त के बाद जो है वो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा जो है वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए जो है वो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है ये चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार के पास अभी भी 3 नवंबर तक का कार्यकाल जो है वो बाकी रहता है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में 21 सितंबर को जो है वो चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा की गई थी, यानी कि 25 अगस्त और 21 सितंबर में बहुत ज्यादा अंतर है। ऐसे में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो चर्चाएं हैं अभी तक किसी की ओर से डिनायल इस चीज को लेकर जो है वो नहीं आया है। चुनाव आयोग की टीम आज हरियाणा में अलग अलग जो है वो बैठकें भी करेगी, दौरा भी करेगी,
ऐसे में ये चर्चा जो है वो खूब जोर पकड़ती नजर आ रही है कि क्या हरियाणा में चुनाव जल्द हो सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तस्दीक होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एपिसोड कुछ ऐसे हैं, यानी कि पिछले समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या इस तरह का पॉलिटिक्स हरियाणा में चल रहा है जिसको लेकर जो है ये चर्चाएं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन चर्चाओं में कहीं पर भी कोई तस्दीक, कोई पुष्टि जो है इस खबर की कि क्या हरियाणा में चुनाव जल्द हो सकते हैं, इसकी होती नजर नहीं आ रही। और ये पहली बार नहीं है कि चुनावों के नजदीक इस तरह की खबर जो है वो सामने आई हो, क्योंकि जब प्रदेश में चुनाव होते हैं, किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो अफवाहों और इस तरह की खबरों का बाजार और ज्यादा गर्म होता है। प्रदेश में चल रही इन तमाम खबरों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।